श्री आश्रय कल्प सेवा समिति के तत्वाधान में गुरुवार को गोलघर के इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष सूरत के सरथना स्थित तशिला कॉम्प्लेक्स में छात्रों के हादसे में हुई मौत को समिति की प्रबंधक चंचला शुक्ला के नेतृत्व में हादसे में मारे गए छात्रों के आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि तशिला हादसे में मारे गए सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मृत आत्मा को शांति मिले, भगवान से यही दुआ करते हैं। साथ ही इस दुख की घड़ी को भगवान उनके परिवार को सहने की शक्ति प्रदान करे। इस दौरान संस्था के प्रबंधक चंचला शुक्ला, रीता मिश्रा, सुनीता चौरसिया, सुमन पांडे, निधि पांडे, वीरा उपाध्याय, चित्रा देवी सहित संस्था के अन्य सदस्यों ने श्रद्धांजलि दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, के एक कोचिंग सेंटर में जो बच्चों के साथ हृदय विदारक घटना हुई है, उसके लिए आज श्री आश्रय कल्प सेवा संगठन समिति द्वारा आयोजित ये यहाँ पे कैंडल जला के शोक व्यक्त किया जा रहा है। वास्तव में कोचिंग सेंटरों में जिस तरह का ये लोग पढ़ाने को तो पढ़ाने के क्या करते हैं, इंतजाम व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, दोबारा ये घटना ना हो, क्योंकि कितनों के घर के चिराग बुझ गए, नौनिहाल बेमौत मारे गए जो देश हित में भी काम देते। आज हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे इस तरह का दुर्घटना ना हो और हम उन्हें बार बार शशत नमन करते हुए उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।